ने नहीं लिखा है, ये देश को उनके बारे में पूरी जानकारी है। कल एक अखबार जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने पूरी जानकारी दी विथ एविडेंस, सब सरकारी जो दफ्तर में जो लिखाई पढ़ाई होती है उस बारे में, जमीन व्यवहार के बारे में वो सब कुछ दिया है कि राम मंदिर परिसर में अयोध्या निर्णय के बाद किसने किसने जमीन की खरीदी की है, कितने पैसे में की है, कितने में बेची है, ये लोग कौन है, ये पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वहाँ के मेयर हो। देखिए, मंदिर के लिए लड़ने वाले हम लोग थे, लोग शहीद हो गए, पूरी सरयू जो नदी है वो करसेओं के खून से लाल हो गई थी, हमने देखा है, हम वहाँ थे उस वक्त, हमने देखा है। और अब ये मलाई खाने के लिए राम मंदिर के नाम पर ये लोग आए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के जो नेता है और देश में भी विपक्ष के बारे में बहुत बोलते हैं, उनको ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई का नाम लेकर धमकाते हैं, हाँ, सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे आह्वान है ईडी सीबीआई से, आप जाइए अपना एक दफ्तर अयोध्या में खोलिए और काम करिए, कहाँ से पैसा आया अयोध्या में, किसका पैसा है, हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है या और किसी देश से विदेश से आया है, एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र में मुंबई में भी जो लोग हैं जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, बदनामी कर रहे हैं, उनको भी मेरा आह्वान है, आप जाइए, आप स्पेशलिस्ट हैं ना इस मामले में, जाकर बैठे अयोध्या में, और आपके जो रिश्तेदार है वहाँ बीजेपी के, हाँ, उनके भी जो व्यवहार है उस बारे में देश को बताइए। तो चंद्रकांत दादा पाटिल की नज़र कमज़ोर हो गई, उन्हें दिखता नहीं, उन्हें वो सुन नहीं पाते और वो पढ़ नहीं पाते। अगर उनको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है किसी नेता को तो हम ज़रूर दे देंगे, मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ है, मुख्यमंत्री पूरा राज्य का काम संभाल रहे हैं, पूरा विधानसभा का अधिवेशन भी कल जहां वो घर बैठे थे वहां से वो देख रहे थे और नियंत्रित भी कर रहे थे। बात ऐसी है कि मैं दिल्ली से आया हूं, अभी 22 दिन वहां था, लोकसभा और राज्यसभा में देख रहा था और मैं प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहा था। जब संसद चलती है तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में